काम तो हो गया बट बिल बहुत महंगा होगा। 2,27,000 रुपए बिल है। आप सब ठीक हो भाई? जैसे कि मैंने कल बोला था कि भाई मुझे आज जाना है लैंड रोवर GLR में, मतलब इसके मेरी गाड़ी की दूसरी चाबी आ चुकी है। एक तो जैसे ये वाली ना तो एक ही है, क्योंकि जब मैं लेके आया था जब उन्होंने बोला था 3 महीने बाद आएगी, पर मैंने मेल डाला तब जाके फिर वो आ रही थी लखनऊ। फिर लखनऊ से मैंने कहा कि मैं लखनऊ क्या करूंगा जाके यार, इससे अच्छा तो मैं यही मंगा लेता हूँ। तो वो चाबी मेरी फाइनली कल आ गई थी, तो उन्होंने बोला था कि वैसे आ जाओ, पर मैं कल ही जा रहा था। सीन ये था कि उन्होंने बोला सर गाड़ी को रीमैप करेंगे, चाबी कनेक्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एंड फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 11 बज रही है, अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा नोएडा के लिए। ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ से लग जाए 1.5 घंटा जाने में अपना GLR पहुँचने में। तो इसलिए तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया था आज और जल्दी रेडी वेडी हो गया नहा के एंड कपड़े चेंज करके दूसरे। और आज तुम्हारे भाई का लुक कुछ और है, वो मैं दिखाता हूँ। और तुम्हारे भाई ने उठते ही प्रोटीन पी लिया, चाबी ले ली, अब चलते हैं ब्रो यहाँ से नोएडा। नोएडा जाने में थोड़ी सी अब मैं क्या करें भाई, मेरा सामान ही वहाँ आ गया तो। और उसमें और इसके अलावा इस गाड़ी में मुझे कुछ और काम करा के लेके आने हैं, जो आपको मैंने बोला भी था, बट जब कराएंगे एंड जब देख लेंगे उसका साइज़ देखने की कौन से वाला, दो साइज उसका आते हैं उसमें, एक छोटा एक बड़ा। ना यार तो मैं सोच रहा हूँ फिर, क्योंकि काम करें तो पक्का करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं हम। और भाई जयकारा लगा देते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। भाई टाइम हो चुका है 11:08 और 8 मिनट पर 000 निकल चुके हैं। 11:08 पर 000, अरे खुल जा यार। भाई यहाँ से दिखा रहा है मुझे कितना, 1:20:40 में 12:30 पहुँचूंगा मैं। यार पैसे ये सही है, थोड़ा सा खींच के लेनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि अगर लंच के बाद पहुँचा तो फिर गाड़ी आज नहीं मिलेगी, मुझे गाड़ी छोड़ के आनी पड़ेगी। एंड हो सके तो शायद विकास भाई भी आएंगे, क्योंकि उनको अपनी गाड़ी PPF के लिए छोड़नी है। कहाँ पे? वहीं उसके जस्ट साइड में। तो फिर एक काम करेंगे, गाड़ी मिल गई तो हम दोनों साथ में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह रहा था मैं पीक पे छोड़ने, मेरी गाड़ी हाइट बढ़ा लो, इसकी हाइट लोअर रखी है। आज का गलत डिसीजन था क्या भाई? यो भाई साहब पूरा ही लाल हो रखा है यार, हद है यार। 17 मिनट में 1 घंटा दिखा रहा है बीबी, ये दिल्ली का काम, केजरीवाल साहब कुछ करो। तो भाई एक हो चुकी है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि भाई मेरी जो आज की वीडियो थी, जो मतलब कल आपने देख रहे हो, जो गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आ चुका है येलो डॉलर, 18+ वाला कंटेंट वाला सीन आ चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है कि ऑलमोस्ट 3-4 चैनलों पे सेम वीडियो आ गई है, उन पे नहीं आया, मेरी पे आ गया। यूट्यूब थोड़ा पागल है, चटकोड़ है। और अभी मैंने फिर दक्ष भाई को कॉल किया, मैं काम करो इसको उठा के और रिव्यू में डाल दो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते, कोई नहीं। लो भाई फिलहाल पहुंच गए, भैया खोल दो कैसे, आज कोई बंद है क्या? ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटे से ऊपर लगे यहाँ आने में। गुड़गांव सबसे बेस्ट है, दिल्ली के पोर्शन में जाम लगा है ना, नोएडा में था ना गुड़गांव में था। और इसमें आज कुछ मॉडिफिकेशन भी कराऊंगा, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक आने में। गाड़ी फिर दे दूँ, अब देखो कितना टाइम लगता है चाबी को उसमें सेट वेट करेंगे। सही है चाबी आ गई यार, प्रॉब्लम नहीं, कभी खोने होने की टेंशन होगी, क्योंकि अगर कभी खो जाती एक चाबी आने में इतना टाइम लग रहा तो दूसरी चाबी मतलब 2-3 महीने की गाड़ी फिर खड़ी हो जाती, तो इससे अच्छा था चाबी आ गई। इसमें कुछ और करवाना है मेरे को, क्या लगवाऊंगा वो मैं देख रहा हूँ अभी। जिन्होंने मुझे ड्रीम दिखाया था वो गाड़ी का, अब दूसरे ड्रीम दिखा रहे, कह रहे भाई इसको ले लो अब नेक्स्ट कार में का। भैया ये तो देखो पैसा कितने चार की, ये हाँ 3.5-4 के बीच में। 4 सीटर है तो ये, हाँ 5 सीटर मतलब ये हट ऊपर हो जाएगा। 7 सीटर का भी ऑप्शन रहता है इसमें। अच्छा 7 सीटर का भी, हाँ 7 सीटर का। मैं डिफेंडर से ऊंची है, नहीं डिफेंडर इससे ज़्यादा ऊंची है, फिर डिफेंडर लेंगे। अच्छा डिफेंडर नया मॉडल भी तो आ रहा है एक, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वैसे तो आ गया बाहर तो अब्रॉड होगा, इंडिया में नहीं है। हाँ इंडिया में नहीं अभी। ये घड़ी बढ़िया महंगी गाड़ी भाई, 4 करोड़ में 2 डिफेंडर आएंगी, आगे पीछे चलेगी, गैंग छोड़ा 2 डिफेंडर लेके चल रहा है। 2 कैसे आएंगी? 3 आ जाएंगे, 3 डिफेंडर आ जाएंगे भैया, एक छोटी भी आ जाएगी। इस गाड़ी में मटलब लगने जा रहे हैं, बहुत महंगे पड़ रहे हैं भाई साहब मटलब। पहले कुछ और सोच रहे थे, 800 चल रहा था, बट अब कुछ और निकले। तो भाई जब तक मेरी गाड़ी का काम हो रहा था तो मैं आ गया था यहाँ पे, विकास भाई अपनी गाड़ी का काम वाम कराने आए थे, BMW को छोड़ने आए थे PPF के लिए। तो मैं यहाँ से बात करा, मैं आया तो करा, मैं निकल गया, मैं मेरे तो कट गया भैया, मैं पैदल चल के आया था, अब मैं यहाँ से वापस फिर पैदल जाऊँगा 1 किलोमीटर, कह रहा मैं आ रहा हूँ, देख वेट करता हूँ 5-7 में। तुम मेरे पीछे नोएडा तक नहीं छोड़ रहे हो? हाँ ना, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा ना। कैसे 7 जन्मों का वादा निभाया क्या वैसे? भाई यहाँ पे ना रेनोवेशन चल रहा है तो मेन ऑफिस पे अपनी गाड़ी है। कहाँ मेन ऑफिस? बस यही बगल में। अच्छा बगल में है, जब तुम्हें 10-15 मिनट लग गए भाई, बहुत जनता है यार रस्ते में। मैं कह रहा था थारिस बेकार,
थार, लेकिन भाई का प्यार, भाई का प्यार, बट थार इज बेकार, थार इज प्यार भाई, थार इज प्यार भाई। आप क्या कर रखा है पता नहीं, गाड़ी अगर महिंद्रा वाले यहाँ आ गए ना विकास भाई, आपको पैसे देंगे, आपको बोलेंगे देखना मत और हमारे बारे में कोई बात मत करना, ये गाड़ी का जो हाल तुमने करवा रखा है फिलहाल। ये भाई ये गाड़ी ऐसी होगी ना कि महिंद्रा वाले आके बोलेंगे भाई ये 500 रुपए पकड़ो, गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी नहीं चाहिए। महिंद्रा वाले बोलेंगे भाई ऐसी थार तो साला हमारे रिसर्च टीम ने नहीं बना पाई, जो तुमने बना दी, ये बोलेंगे महिंद्रा वाले इसको वो बोलेंगे इसका नाम अंशुमान, अंशुमान अवार्ड, अंशुमान नाम आगे तुम्हारा। अच्छा चलो एक बात है, अगर ये थार बनने के बाद विकास भाई का फोन, अगर एग्जांपल है कि अगर भाई का नंबर ऑनलाइन होता ना, इनके पास इतने कॉल्स आते शायद 2 साल कॉल नहीं उठाते। नहीं, एक हमारी कंपनी है जिसके पास है ये वाला, हाँ इस पे क्या होता है ये ऑसिलेटिंग माइक है, मतलब ये वाइब्रेशन से चलता है और इससे पीपीएफ कटिंग होती है। जो भैया पीपीएफ के साथ साथ कुछ और भी काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, लेटो करो ना, लेटो ना विकास भाई, देखते हैं ट्राई करके। भाई मैं आ गया हूँ एवेंजर्स के उसमें हेडक्वार्टर में, हाँ भाई सही में सारे देखियो वही वाले मशीन रखी है विकास भाई, अंदर पता लगे आयरन मैन का सूट बन रहा है, जो अपनी गाड़ी में भी हो रहा है ना, हाँ हाँ, तो उसका सर्किट ऐसे डिजाइन होगा। ओके ये वो डिजाइन हो रहा है भाई, यहाँ एवेंजर्स का वो बन रहा है देखो, हेलमेट ये बना लग रहा है भाई, बढ़ियो ब्रो, ट्रांसफार्मर बना रहे हो कि नीचे थार को एकदम से बदल के उसमें हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो है? हाँ बिल्कुल, ऑप्टिमस प्राइम, हाँ नहीं नाम तो फिर चेंज करेंगे ना उसका, फिर कुछ और नाम रखना, बम्बल रख दें, बम्बल भी तो येलो होगी ना, हाँ पर ये तो ब्लैक है ना, ये तो ब्लैक है। ये पेंट विकास भाई को ऊपर कर दो ना, हाथ में ग्लो करने वाला, हाथ में ग्लो करके ब्राइट हो जाएंगे। अब पीसीबी डिजाइन हो जाती है, उसके बाद पीसीबी ना बड़ी बड़ी प्लेट्स में आती है, फिर इससे पार्ट्स निकाल के उस पर असेंबली होती है, तो इसके अंदर कन्वेयर लगी हुए उस पर पीसीबी रखी जाती है और माउंटिंग होती है। ये पहले हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन था, फिर प्रोडक्शन के लिए हमने बड़ी मशीन ली। तो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं ईवी में, ईवी 6 है, किया पावर है इसमें, भाई कह रहे हैं कि इसमें BMW से ज्यादा पावर है। अभी चल, अभी एक्सपीरियंस आप खुद करना। अच्छा कितने किलोमीटर चलती है भाई चार्ज में? ये चल जाती है 708, मतलब 700 चल जाती है पूरा। ये तो भाई मिल रही है अभी भाई, वो ना ऑटोमेटिक कर दो भाई, मुझे कल सर कोई वाली भाई, सारी गाड़ी ऐसी जटा जो बैठा तेरे पीछे फेंक रही है। अरे मजा पूरे भाई, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तेरे चक्कर आवे क्यों, आवाज तो है नहीं यहाँ से, सीधा रेड लाइट बोले भैया, कान कहाँ है तुम्हारे भाई, कितने सेकंड में 100 चढ़ती है? 3.8 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, लेकिन 3.2 पे चली जाती है, चली जाती है वैसे तो कंपनी वालों को मुझे लगता है झूठ बोलते हैं, कंपनी वाले झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं भाई। बढ़िया गाड़ी है, और म्यूजिक सिस्टम भी इसमें मेरिडियन का है। भैया भोजन करने को आया भाई, इतनी सिटी किसी ने कटवाई हुई आज भाई साहब, लेग्स लगवा दी भाई ने आने से पहले भाई, पचा रहे। अरे भाई लिफ्ट तो हैगी थी, वाओ नाइस भाई, ईवी 6 में बैठे, बहुत प्यारी गाड़ी। मैं तो कह रहा हूँ विकास भाई ने बेमतलब ही ये पॉल्यूशन कर रहे हैं यार, विकास भाई यार V3 लेके आए, V6 लेके आए, पेट्रोल फूके, EV6 लेना चाहिए, पैसा बचता, मेंटेनेंस रहो तो सास्त भूल गई, हाँ मेंटेनेंस बचता पैसा बचता, जब भीतर बढ़ गए ये लोग, तुम लोग कर रहे हो पॉल्यूशन, मैं बोल रहा हूँ पैसे बचते, बिल्कुल बचते, उससे ज़्यादा पावर लगती, खर्चा नहीं आया, मेंटेनेंस नहीं था, 200 रुपये में अपना फुल हो जाती, तो फिर डिफेंडर OLX पे डाल के, भाई डिफेंडर का काम नहीं कर पाएगी, नहीं है ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी, ऑफ रोडिंग के लिए वो कर लेगी ना, अपने पास ईट्रॉन है ना, ईट्रॉन कर, उसके अंदर एयर सस्पेंशन भी है, अच्छा ऑल व्हील ड्राइव भी, बट भाई पहाड़ों में आज लाइट नहीं आती ना। मैं भाई इतना टेस्टी पिज्जा है ना, मैंने जिंदगी में नहीं खाया, सही मजा है ना, बहुत अमेजिंग है, पर गरम गरम जो खा के मेरा ऐसा भी नहीं लग रहा कि, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई कि इतना वेट करवाया इस खाने के लिए। ऐसा सीन है, मैं सोच रहा था आज इस इंसान से मेरा पीछा छूट जाएगा, बट मेरे साथ साथ ही बट भाई जो हमारा डिस्कशन हुआ अमेजिंग था भाई, प्रोडक्टिव डिस्कशन है ना, हां बहुत प्यारा, मतलब ये अपने जो फ्यूचर प्लान्स है अगर ये हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, सुनो किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं फ्यूचर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तगड़े चक्के दे, फ्यूचर देख के, वो फ्यूचर नहीं तो फ्यूचर देख के प्लान नहीं बनाते, आज का दिन अच्छा रखे। बट हम मैं एक बात कर रहा हूँ भाई, पिज्जा बहुत अमेजिंग था, माँ बहुत टेस्टी था,
मैंने आज तक ऐसा पिज्जा नहीं खाया है कभी भी। हम चला रहे भाई आज ईवी, ईक्वेस चलाई थी उस दिन, राजा चला रहे हैं ईवी 6। अरे इसकी टपड़ा जा रही है, साथ में ले लो भाई। अरे सर बैठिए सर, बिग फैन सर। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। मुझे बता देना जब स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट है गाड़ी तो आपने स्टार्ट करी, बता तो देते। अब मेरे एक्सेलरेटर दे दो। जब तक गियर नहीं डालेंगे तब तक कैसे होगा? और आप डाल देते फिर? नहीं, मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूँ, कम भी नहीं हो। मैं तो भाई चला रहा हूँ इसको, देखियो पावर, बस आवाज नहीं इसमें। आवाज पता इसमें ना, वीडियो में नहीं पता चलेगा, जो हम अंदर फील कर रहे हैं ना, खाना ऊपर जो आ रहा है। और एक उल्टी करो तेरे को। नहीं मेरे को उल्टी नहीं होगा ऐसे। काम तो हो गया बट बिल बहुत महंगा हुआ। 27,00,000 2,27,000 रुपये बिल है। 2,27,000 भाई बिल कर दिया। चाबी का, चाबी कहाँ दूसरी वाली भैया? चाबी भी नहीं मिली ऊपर लेवल का ऊपर ले आए और इनको मिल भाई चाबी। गाड़ी आ रही है ना अपनी, चाबी दूसरी चाबी। हाँ वो मिल जाएगी ना, अरुण पे है। अब थोड़ी छोटी छोटी लगने लगी। ये वाले अच्छे हैं, पहले वाले से बढ़िया है ये वाले। हाँ वो तो ट्रक के पटाए। नहीं नहीं वो तो भाई, भाई मॉडिफिकेशन का ठेके ले लिया भाई ने। बिल्कुल। और अब जो मॉडिफिकेशन होगी वो डिफेंडर पहली रहेगी इंडिया, पहली रहेगी इंडिया में। और अज्जू भाई मतलब 27,00,000 रुपए के जो आपने मैट लगवाया, मतलब 27,000 रुपए के, 28 के, 28,000 रुपए मैट प्लान है। दिल यहाँ पे दुख रहा है तो भाई कह रहे हैं कि मैं ठेके लेता हूँ। मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काटा गया हमारा, कटाई है, कटाई है, कटाया भाई। पर क्या करे, कोई नहीं, इसकी बाकी सारी एक्सेसरीज का जमा हमारा। अब भाई करवाएंगे सारा काम, अब सारे जो काम होंगे भाई करेंगे। देखो भाई इस घर में देखो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखिए आगे पीछे देखा है नहीं भाई कितने झूठ। अबे 27,000 लगे झूठ तोड़ी। अबे सर ये वो वाले हैं, अच्छे कैसे लग रहे हैं? ठीक है, मतलब उससे बड़े तो भले ही, उससे छोटे सही है। लो अब दोनों चाबी आगे बढ़ता खुद। विकास भाई खोल के देखूं, खुल रही है यहाँ पकड़े हुई, खुल रही है दादा, चल चल रही है, चलो 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 इसका ऐसा, बस ऐसे ही रहता है। अरे उसका चाबी घर है। तो भाई टाइम हो चुका है 6:10, हम निकल लिए भाई अभी JLR से, एंड हमारी गाड़ी की चाबी भी आ चुकी है, ये काम भी कर रही है। दूसरी चीज़ है इस चाबी को जाकर रख देते घर पे सेफ, और इसमें डाल देंगे कल आके हम एयर टैग। विकास भाई एयर टैग आप भी मंगा। मैं भी एयर टैग लूंगा क्योंकि यार एयर टैग का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अपन मैंने आज कल एक रील भी देख रहा था, इसके अंदर लगेज के अंदर आप डाल दो, कल को अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका लगेज पे ध्यान रहेगा कहाँ है लगेज कहाँ नहीं है, लगेज चढ़ा के नहीं चढ़ा या फिर लगेज अभी कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वो चीज भी। दूसरी चीज वेट करते ना बेल्ट पे, वो नहीं करना पड़ेगा। और भाई 27,000-28,800 रुपए मड फ्लैप का खर्चा है इसमें, बट कोई नहीं भाई, दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा भाई कर दे, क्योंकि यार भाई गंदी गाड़ी ज्यादा हो जाती थी भाई, लेकिन बहुत महंगे पार्ट्स हैं यार। अब देखो वो बात, वो बंदा बोल रहा है जो 6,000 रुपए का परफ्यूम लगा रहा है भाई, मैं अपनी गाड़ी का, मैं एक नॉर्मल इन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ भाई। फॉर्च्यूनर देखो यार 2,000-3,000 रुपए के मड फ्लैप लगते हैं, 11,000 रुपए के फॉर्च्यूनर के महंगे। 11,000 और 27,000 में बहुत डिफरेंस तो भैया, एक 1.5 करोड़ पर 50,00,000 डेढ़ करोड़ कैसे 11,000 रुपए के यार? 11,000 के भैया लगा के देख लेना भाई, थार सही है। मड फ्लैप की जरूरत ही नहीं, जितना कीचड़ उतना अच्छी लगती है। तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 8:05, अब पहुँचे हम 2 घंटे 5 मिनट में लग गए हमें घर पहुँचते पहुँचते हुए तो। और भाई ये देखो मतलब थोड़ी ना अब भारी भारी हो गई गाड़ी, एक तो ना जो उठती थी ना तो ये टायर दिखता था, अब वो टायर इतना नहीं दिखे, और जो वो पहले वाले थे दूसरे वाले वो लाइट कर दूँ मैं, और जो ये वाले हैं ये छोटे वो वाले यहाँ तक आते थे, पर वो मतलब ट्रक वाले लगते थे, मतलब थोड़ा वहीं तक रह जाएगा। और ये खड़ी हमारे हमारे घर आई एक नन्नी परी, हेलो सुपर ही है क्या बता रहा हूँ मैं तो, ऐसा कुछ पूछ रहा था। बता भाई वो मैं जा रहे हैं झिलमिल के लिए, बॉम्बे 3 दिन के लिए, मंडे। अच्छा अप डाउन करे हो भाई, बढ़िया है। लो सर हटा रहे सर, और हार जीत स्वीकार कौन करेगा? आओ भैया आओ, मेन खिलाड़ी आ गया मेरा, मैं किंग हूं। आ जा नो डाउट करो भाई, सुन पैसा ले साइड। मैं वही सोच रहा था, आइए जो आइए। लो सर एक बार जीत, मैं किंग हूं,
मैं क्यों गया किसकी फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी हार कौन से रही है अब कौन कौन कैसे मुझे बता दो टीम चेंज गेम चेंज मामा अगर आउट हो गया छोड़ तो मेरे से लड़ाई है क्या मतलब अगर आउट कर दिया ना तो करके दिखा दिया छक्का लगवा चल भाई करण तो भाई क्रिकेट खेल के निकल चुके हैं एंड अभी जा रहा हूँ घर भाई इतनी जोर की भूख लग रही है ना क्योंकि जिम में गया जिम से इतनी मेहनत करने के बाद उसके बाद दो मैच खेले एंड गाड़ी के अंदर आ गए मच्छर भाई साहब ये कि थोड़ा सा गाड़ी खुली थी ना तो मच्छर आ गए थे बाकी आप सब कमेंट करके बताने मतलब ये वाले कैसे लगे क्योंकि तो वो होते बड़े वाले वो तेरे टम्पू वाले होते वो तो मेरे को अच्छे नहीं लगे बट ये वाले ठीक है अब इनको ग्लॉसी नहीं करा सकते क्योंकि ये रबड़ पार्ट है